बांदा नहीं पकड़ दू जन इन्नी सिंगारे दारी बचानी साथियों नमस्कार, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग और राम राम। तो साथियों सुबह की 8 बज रही है और शानदार धूप यहाँ आ गई है गांव में। जल्दी हमारे धूप आ जाती है, मैंने पहले ही बताया था। उसके बाद यहाँ दिन में जल्दी चले जाती है, 2 बजे तक यहाँ एकदम पूरा अंधेरा हो जाता है। उसके बाद हम लोग जंगल जाते हैं, जो मैं पहले वाले ब्लॉग में बता चुका हूँ। फिर वहाँ पूरे दिन भर धूप सेकी जाती है सभी गाँव के लोगों द्वारा। यहाँ पर आया हूँ मैं, कुछ माल्टे ले जाऊँगा, ये इकट्ठे करूँगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी नाश्ता कर लेते हैं पहले। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी नीचे जा रहा हूँ तो नाश्ता करेंगे, वहाँ पे देखता हूँ क्या क्या चल रहा है, क्या क्या कर रहे हैं चाची लोग, दादी लोग। जो भी होगा हल्का फुल्का आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल में नए नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि पहाड़ों से रिलेटेड मेरी वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो माल्टे देखिए शानदार खिले हुए सुबह सुबह, तो सब जगह यहाँ माल्टे ही माल्टे। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आइए और ले जाइए फ्री में। देखिए क्या बना है, मिल जा शानदार। तो दादी ने बनाई है लिट्टी, मतलब आटे के बंतर, खूब तगड़ा दे घी मार रखा है इस पर। तो क्योंकि दादी को पता है कि मैं एकदम मीठे का शौकीन हूँ, तो इसलिए दादी ये बना देती है जब भी मैं गाँव आता हूँ। तो चलो इसका मजा लिया जाए। और ये है लिट्टी, आपको भी आती ना बनानी तो बनाइए, ठंडियों में खाइए गरम आ गरम। भाभी बकरे को, भाभी क्या खिला रहे आप बकरे को? ये बोल नहीं सकता। भाभी बकरे को खिला रही है बच्चा बच्चा खाना। क्या इसका नाम? भाभी नाम भी रखे आपने इनके? क्या नाम? मंगू, मंगू था इसका नाम, पंकु मंगू। चले भाई बकरिया अपने गंतव्य में चलने के लिए। इधर बैठी है माती, भूलू दादू, दादी करती प्रणाम, करती प्रणाम। तो हमने तो खा दिया भाई नाश्ता, अब इनको देखिए ये भी टूट पड़े हैं। भूलू ए भूली है, किसकती है ये छोटी है तो ये यहीं पैक रहेगी, यहीं रहो ठीक है। और इधर चाची लगी है सुबह सुबह नमक पीसने पे। आप मेरी चाची और पीस घर के नमक भाई लोन तो सिलबट्टे में पिसा जा रहा है, शानदार का स्वाद होता है सीधे। और चाची तो चाची की मिलाई है मम्मी थी और जीरु च लाई च लहसुन च और पजने पजने। तो ये था चीज, लोन से हरी मिर्च, तो इतनी चीज मिलाई है साथियों इसमें, तो इसीलिए ये इतना चटपटा होता है, टेस्टी और शानदार। ये इस तरीके से सिलबट्टा देख सकते हैं आप लोग। तो मशीनरी युग भले ही आज की डेट में हमारा जमाना हो चुका है, लेकिन जो रसायन इन पुरानी चीजों में है वो कभी भी नहीं भुलाई जा सकती है। तो ये हमारा नमक पे यार होता हुआ और इस लोन में खाएंगे हम थोड़ी देर में माल्टे खटाई। और इधर फौजी भाई मेरा क्या कर रहा हुआ, क्या बन रहा चाय बन चुले चाय कुछ नहीं डाला अभी ना पति को डाल के बकरा चाय बन बाहर क्लब चाय की तैयारी चुले में। तो ये कुछ नमक लिया मैंने और टेस्ट किया जाए इसको कितना चटपटा है ना। आहा तो हम लोग पहुंच चुके हैं माल्टों के बगीचों के बीच और माल्टों के पेड़ आप लोग पूरे देख सकते हैं। तो यहाँ से हम अब लोग कुछ माल्टे निकालने वाले हैं। और देखिए वो हेलो कर जा भाई, हेलो भाई, हेलो कहो जाऊं ना वापस कहो जाऊं ना जा निकाला हम निकाला। हेलो कर दी, चलो हेलो हेलो कर दे सब, हेलो हेलो हेलो। ये चले भाई स्कूल चले हम, तो चले भाई बच्चे स्कूल के लिए। और ये सामने स्कूल इंटर कॉलेज क्षेत्र का 12वीं तक है, जो हरी हरी चादर वाला आप लोगों को दिख रहा होगा, जो वो वीडियो भी देखना तुम्हें। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गार्डन में और यहाँ पर अब हम लोग कुछ माल्टे तोड़ने वाले हैं। देखिए लगा है भाई खोजने में,
ये देखिए छोटे छोटे बड़े बड़े सब तोड़ेंगे हम। टन टन अब जा रहा हूँ मैं नीचे को टिटी 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 कड़ा लगी पागल बैंग करिए ले पकड़ के जाओ ले ले अबे बेन की जानो पकड़ यार तेरे भीड़ बने जबरन अरे माल्टे की नानी बले माल्टे की नानी सबसे अच्छो चैनल है भैजी क्वालो ब्रेकिंग है ओ डरे अब है पागल जी सबसे अच्छो चैनल है भैजी ब्रेकिंग है रे बले ब्रेकिंग है रे झाड़ चल मैं कैच कर दूँ झाड़ झाड़ ओ पड़ीन 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 ओ मैं कपाल में पड़ी आहा मिठू 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 सुबेर सुबेर थोड़ी सी अबे डोंट रिया आहा बांधा नहीं पकड़ दो जान इन्नी गबरोल मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो भाभी चार्ज यहाँ पर देखिए हल्दी निकाल रहे हैं और हमने यहाँ पे कुछ माल्टे इकट्ठे कर दिए तो इनको अब मैं कट्टे पे भरता हूँ उसके बाद इसको ले जाते घर की तरफ और माल्टे के साथ यहाँ देखिए आप लोग नारंगी भी है तो पीली पीली ये भी पक चुकी है काफ़ी तो कुछ इनको भी निकालते हैं हम लोग ए मेरे हम ना बा ए भाई ये रे क्यों घुसी भयंकर उफ 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 रुक जा रुक जा ओ भाई भगवान वही हम ना बा इंजेक्शन लगी फ्री में बहुत मजा आता है साथियों खटाई खाने में जब ऐसे हाथ में माल्टे मिल जाए ना तो बहुत मजा आ जाता है लेकिन भाई साहब इनको इकट्ठे करने में इतनी हालत ख़राब हो रही है जगह जगह तो कांटे चुभ गए कंडाले अलग लग चुकी है कुमरे अलग लग गए तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है भाई शुद्ध नहीं होना माल्टा खाने और तब खा खटाए बल और सिंगारे दाढ़ी बिछाउनी कक्षन और पूरा ट्राउजर कुमरों से भर गया ये देखो कंडाली भी लगी है तो आज बड़ी ठीक है मेरी ब्याली गाना सुनी जा का आवन हल्दी जलानी बड़ी छत में तो शानदार घर की हल्दी अब इसको पीसा जाएगा और उसके बाद के मन आवन बड़ी साग में सबसे बढ़िया मट्टी वाली शानदार अरे दो भैंसी ए और दृश्य वाह तो साथियों इस तरीके से सुबह हम लोग उठे उसके बाद अपनी दिनचर्या मैंने आप लोगों को हल्की फुल्की बताई नमक चाची बना रही थी उसके बाद हम लोगों ने माल्टे इकट्ठे किए और माल्टे अभी मैं ले जा रहा हूँ कंडाली निकाली थोड़ा तो कंडाली का साग भी आप लोगों को जल्द दिखाऊंगा और अब मैं क्या जा रहा हूँ किरनर की ओर जा रहा हूँ और ये देखो कंधे में रखा है एक माल्टे का बैग और ठंडा हो गया है काफ़ी तो मतलब साथियों क्या था ना कहने मतलब ये था कि बुन बहुत आसान होंदू कि माल्टा जाम खाना खटे जा खाना आहा क्या मजा आती है ना रशियान एकदम लेकिन भाई कितनी आफत आती है उन माल्टों को इकट्ठे करने में कितने कांटे खाने पड़ते हैं कितने कुमरे चुप जाते हैं उसके बाद हमारे गांव तो कुछ ज़्यादा ही चढ़ाई है तो अब इस पे पैदल दूरी में नाप रहा हूँ उसके बाद रोड में पहुँचूँगा फिर वहाँ से चले जाऊँगा इनको घरों को ले जाऊँगा साथियों बस यही मेरा सफ़र आज का और बस यही कहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा के रखें ताकि पहाड़ों से रिलेटेड मेरी वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे तो इतना ही आप लोगों को दिखाना था मुझे दीजिए इजाज़त तो तब तक के लिए नमस्कार जय पहाड़ और ये पैदल मार्ग तो वहाँ नीचे जहाँ आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा है ना यहाँ नीचे तो वहाँ अभी जाना है वहाँ रोड है तो पैदल काफ़ी हमारे यहाँ तो इस गाँव की पीड़ा मैं आप लोगों को पहले ब्लॉग में बता चुका हूँ और कितना से ज़्यादा दूर हमारा गांव है नहीं 17-18 किलोमीटर की डिस्टेंस में तो इसलिए गांव लगातार आना जाना लगा रहता है और ये चीड़ के वृक्ष पूरे यहाँ तो बस इतना ही